राजधानी में ऑनलाइन ठगी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर बदमाशों ने ओएलएक्स पर कार बेचने का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया। इस बारे में पीड़ित मधुबाला ने साइबर थाने में मामला दर्ज करवाया। विशेष अपराध और साइबर थाने के थानाधिकारी संजय आर्य ने बताया कि पीड़ित ने ओएलएक्स पर i10 कार बेचने के नाम पर करीब 1,74,000 रुपए ठगने का मामला दर्ज करवाया। रिपोर्ट में बताया गया कि उनका ओएलएक्स पर करमजीत से संपर्क हुआ और आरोपी ने i10 कार 2,80,000 रुपए में बेचने का ऑफर दिया। दोनों पक्षों में 2,00,000 रुपए में सौदा तय हुआ, जिसके बाद आरोपी ने करीब 1,74,000 रुपए पेटीएम के जरिए ले लिए और कार की डिलीवरी नहीं की। उन्होंने बताया कि परेशान होकर जब पीड़िता ने संपर्क किया तो आरोपी ने मोबाइल फोन बंद कर लिया। फिलहाल पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कल हमारे पास एक रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसमें मधुबाला नाम की महिला है, उसने बताया कि साहब मैं एक ओएलएक्स जो एप्लीकेशन है उस पर एक कार सर्च कर रही थी, तो मुझे एक i20 कार हुंडई की वह पसंद आई और करमजीत नाम का कोई व्यक्ति है जो उसका ओनर बता रहा है उधर से, और इनके बातचीत हुई। बातचीत के बाद में 2,60,000 रुपये में इनमें कार को खरीदने का ये सोचा। जो महिला है इसको ये बताया कि साहब कार हमारी है और इसके हम रजिस्टर्ड ओनर हैं, आप हमको टेस्ट अमाउंट के लिए पहले 5,000 रुपये हमारे पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, उसके बाद हम इस डील को आगे बढ़ाते हैं। तो इस महिला ने हमको 5,000 रुपये पहले दे दिए, फिर वो आने के बाद में इन्होंने कहा साहब मैं आपको कार पर्सनली हैंडल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपका 50% अमाउंट मुझे पहले देना पड़ेगा। तो इससे बारबारी में 1,74,000 रुपये ले लिए और कार भी नहीं दी। अब उस कर्मजीत जो भी व्यक्ति है उसका टेलीफोन बंद है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।